चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों को अनलॉक 4 में कई तरह की रियायतें दे दी हैं। 1 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 में चंडीगढ़ में रात 10 बजे से लगने वाले नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में बार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। यह फैसला प्रशासक बीपी सिंह बदनौर के साथ हुई ट्राई सिटी के अधिकारियों की बैठक में लिया गया, जो 1 सितंबर से प्रभावी होंगे। यूटी प्रशासन ने शहर के विभिन्न बूथ मार्केटों में ऑडिवन लगाया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रशासन ऑडिवन से भी दुकानदारों को राहत देगा, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 सितंबर तक मार्केट में ऑडिवन जारी रहेगा। उसके बाद प्रशासन के अधिकारी स्थिति का आकलन करते हुए समीक्षा करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। वहीं रात के कर्फ्यू को खत्म करने के लिए भी प्रशासन के अधिकारी काफी पहले मन बना चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन अब जाकर उसे भी खत्म कर दिया गया है। बार खोलने की अनुमति के लिए पिछले कई हफ्तों से शहर के होटल व्यवसायी प्रशासन से मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि अनुमति नहीं होने की वजह से वह काफी नुकसान झेल रहे हैं। बैठक में नाइट क्लब खोलने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। वहीं आने वाले दिनों में लॉन्ग रूट पर बंद की गई सीटीयू की बसों को भी फिर से चलाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीटीयू ने 2 दिन लॉन्ग रूट बस चलाने के बाद इस सर्विस को बंद कर दिया था। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर में 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सके। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से होना चाहिए। इस पर शहर के एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि चंडीगढ़ सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी व अन्य मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ताकि इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। अंतरराज्य और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे।